राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए कार्यक्रम नटखट टिंकू। बच्चों, आज हम तुम्हें एक ऐसे बच्चे की कहानी सुनाते हैं जो बहुत ही शरारती था। क्या था? हाँ, शरारती। उस बच्चे का नाम था टिंकू। बच्चों, टिंकू कुछ ना कुछ शरारत करता ही रहता। एक दिन की बात है, जादू देखकर मजा ही आ गया। जादूगर कैसे आग के ऊपर चलता है? घर पहुंचकर पिंकी को बताऊंगा। पिंकी, 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 मैं अभी अभी जादू का खेल देखकर आ रहा हूँ। पता है जादूगर आके ऊपर चलता है? बताऊं, मैं बताऊं तुझे कैसे चलता है जादूगर? पहले वो माचिस से मोमबत्ती जलाता है और फिर धीरे धीरे देख ऐसे ऐसे रखकर दूसरा पैर ऐसे ऐसे। हाँ, अभी करके बताऊंगा तुझे। हाँ हाँ हाँ, बाद में बताना, पहले खाना तो खा लो। चलो, माँ खाने पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। पर बच्चों, भला टिंकू को खाने की चिंता कहाँ? अरे भाई, उसके सिर पर तो जादू का खेल सवार था। कौन सा खेल? जादू का खेल। सोते जागते वो उस जादूगर के बारे में ही सोचता। किस जादूगर के बारे में? जो आग पर भी चल सकता है। भाई, शैतान तो वो था ही। एक दिन की बात है, टिंकू की मां सो रही थी। टिंकू अपनी छोटी बहन पिंकी के साथ खेल रहा था। क्या कर रहा था? खेल रहा था पिंकी के साथ। खेलते खेलते टिंकू को जादू का खेल खेलने की सूझी। बस फिर क्या था? पिंकी, पिंकी, तुझे जादू का खेल दिखाऊं? जादू? कौन सा जादू? अरे वही जो मैंने देखा था, आग का खेल। जब जादूगर आग जलाकर उसके ऊपर चलता है। ना भाई ना, आग वाला जादू? अगर आग लग गई तो? आग कैसे लगेगी? मैंने जादूगर को देखा है, बस वैसे ही तो करना है। देख, मेरे पास मोमबत्ती और माचिस भी है। ले पिंकी, तू मोमबत्ती पकड़, मैं माचिस जलाता हूँ। मैं नहीं पकड़ती मोमबत्ती, पहले मुझे माचिस जलाने दो। तुम पकड़ो मोमबत्ती। मैं जादू दिखाऊंगा ना, तू पकड़ मोमबत्ती। अच्छा बाबा, पकड़ती हूँ, बाद में मुझे माचिस जलाने दोगे ना? हाँ हाँ, जलाने दूंगा, पहले मोमबत्ती तो पकड़। पकड़ती हूँ ना, तुम माचिस तो जलाओ, देखूं कैसा जादू दिखाते हो। बस फिर क्या था? टिंकू ने माचिस जलाई और जलती माचिस से मोमबत्ती। और बच्चों, उसने माचिस की जलती तीली वहीं फेंक दी।
टिंकू की बहन पिंकी पास ही बैठी थी। जलती हुई माचिस की तीली पिंकी की फ्रॉक पर जा गिरी। और बच्चों, पिंकी की फ्रॉक में आग लग गई। पिंकी तो घबरा गई और रोने लगी। चुप हो जाओ, देख देख मेरा जानबूझ के थोड़ी किया, देख मेरी कितनी प्यारी बहन है। चुप हो जाओ ना पिंकी, कितनी प्यारी बहन, मैं अभी यहाँ हूँ। अरे पूछ मुझे क्या हुआ पिंकी, क्यों रो रही है? अरे ये क्या क्या कर रहे थे तुम दोनों? माँ कुछ नहीं। ये पिंकी की फ्रॉक कैसे जल गई? ये तो अच्छा हुआ कि आग फैली नहीं, माचिस की तीली जिस जगह गिरी थी वहीं बुझ गई। पर ये सब कैसे हुआ? मैंने तुम दोनों को कितनी बार मना किया है कि माचिस से नहीं खेलते, लेकिन तुम दोनों मानो तब ना। माँ, माचिस तो टिंकू भैया ने जलाई थी और माचिस की तीली मेरी तरफ फेंक दी। लेकिन तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे थे? माँ, टिंकू भैया ने कहा तुम मोमबत्ती पकड़ ले, मैं तुझे आग वाला जादू दिखाऊंगा। क्यों टिंकू? माँ, मैं तो सिर्फ जादू दिखा रहा था जो मैंने जादूगर को करते देखा था। माँ, जादू? कैसा जादू? जादू क्या माचिस से दिखाते हैं? माचिस कोई खेलने की चीज है क्या? देखो टिंकू, तुमसे कितनी बार कहा है कि माचिस से नहीं खेलते, आग लग सकती है। छोटे बच्चों को उन चीजों से नहीं खेलना चाहिए जिससे आग लग सकती है, जैसे माचिस, जलती हुई मोमबत्ती, अगरबत्ती, समझे ना? जी। लाओ अब माचिस और मोमबत्ती मुझे दो और बाहर जाकर खेलो। अच्छा माँ। खाना दो ना। टिंकू बेटा, खाना ही तो बना रही हूँ, तुम तब तक मुंह हाथ धो लो, खाना अभी तैयार हुआ जाता है। अच्छा। पता नहीं क्या हो गया स्टोव को, ठीक से जल ही नहीं रहा, लेकिन कल ही तो ठीक कराया था। माँ, मैं स्टोव जलाऊं? मुझे आता है स्टोव जलाना। अरे अरे, ये क्या कर रहा है? तुम्हें किसने कहा स्टोव को हाथ लगाने के लिए? मैंने तो तुम्हें हाथ मुंह धोने के लिए कहा था ना। कितनी बार बताया है कि आग की चीजों से दूर रहा करो, आग के पास आना खतरनाक होता है। पर बच्चों, भला टिंकू क्यों मानने लगा? वो नटखट तो था ही, कोई ना कोई शैतानी करता ही रहता। बच्चों, उसने माँ की बात नहीं मानी, उसे तो स्टोव जलाना था ना। क्या जलाना था? स्टोव। उसने माचिस जलाई और स्टोव के पास ले आया, लेकिन तभी उसकी माँ ने देख लिया और माचिस की तीली बुझा दी। टिंकू से माचिस भी वापस ले ली और उसे समझाया। टिंकू, तुमने अभी क्या किया? स्टोव के पास माचिस क्यों जलाई? स्टोव तो जल रहा था, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? आग लग सकती थी और स्टोव भी फट सकता था। पर माँ, मैं तो स्टोव जला रहा था। तुम्हें किसने कहा स्टोव जलाने को? मैंने पहले भी तुम्हें बताया था कि आग की चीजों से दूर रहो, माचिस से मत खेलो। रसोई घर में जब स्टोव जलता या चूल्हा जलता हो तो उससे दूर रहो। लेकिन तुम इतने नटखट हो कि मानते ही नहीं। पहले तुमने आग का जादू दिखाना चाहा तो आग लगते लगते बची, फिर तुमने स्टोव को जलाना चाहा, तब भी अगर मैं समय पर माचिस ना बुझाती तो आग लग सकती थी।
ऐसे में बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, है ना? अब तो कभी आग से नहीं खेलोगे ना, बोलो। नहीं माँ, मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई है। अब मैं ऐसी शैतानी कभी नहीं करूंगा और अपने दोस्तों को भी समझाऊंगा कि आग से नहीं खेलते। शाबाश टिंकू। चलो अब मैं तुम्हारे लिए खाना परोसती हूँ, जल्दी से हाथ मुंह धो। अच्छा माँ, बहुत भूख लगी है। तो बच्चों, अब टिंकू की समझ में ये आ गया कि आग से दूर रहना चाहिए। आपकी समझ में भी आ गया ना कि आग से, हाँ, आग से दूर रहना चाहिए और आग के खेल भी नहीं खेलने चाहिए, है ना? शाबाश। बचो बचो भाई बचो, आग से आग खेल की चीज नहीं। बचो 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 भाई बचो, आग से आग खेल की चीज नहीं। सदा रहो तुम दूर, आग से आग खेल की चीज नहीं। सदा रहो तुम दूर, आग से आग खेल की चीज नहीं। कभी आग में हाथ न देना, कभी आग के पास न जाना। कभी आग में हाथ न देना, कभी आग के पास न जाना। खेल आग के नहीं खेलना, आग खेल की चीज नहीं। खेल आग के नहीं खेलना, आग खेल की चीज नहीं। बचो 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 भाई बचो, आग से आग खेल की चीज नहीं। नटखट टिंकू। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख डॉक्टर वीनू भल्ला, विषय संयोजन स्वर्णा गुप्ता, कलाकार नीरज शर्मा, हर्ष बाला, यमन कौशिक और नीरजा गुलेरिया, संगीत महेंद्र सरीन, ध्वन्यांकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, प्रस्तुति सहयोग संतोष कुमार और वंदना अरिमर्दन, तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।